विरेचन किन लोगों को नहीं देना चाहिए इसके बारे में सुना है। आज हम किसे विरेचन देना है ये पढ़ना है। कल हमने देखा कि अविरेच्य का वर्णन करते समय वाग्भटाचार्य ने अवाम्या में बताए गर्भिणी रुक्ष क्षुधित बाल बुद्ध कुश स्थूल वगैरह रुग्ण जिनमें दौर्बल्य होता है वे सभी अविरेच्य होते हैं ऐसा कहा है। चरक में भी इस प्रकार क्षतादयश्च गर्भिण्याम था ऐसा कहकर क्षत से गर्भिणी तक अवाम में ये भी अविरेच्य होते हैं ऐसा कहा है। वमन के समान विरेचन से वात प्रकोप होने की शक्यता गृहित लेकर चरक और वाग्भट उपरोक्त दुर्बल रुग्णों को अविरेच्य माना है यह स्पष्ट है। इन अविरेच्य के यादि में सुश्रुत में नव प्रसूता और नव प्रतिष्याय ये बताए हैं। तो वाग्भट में राजेक्ष्मा अतिसार क्षुधित नित्य दुखित रुद्रोगी भयभीत है अधिक बताए हैं। अविरेच्य के यादि में सुभग ऐसे रुग्णों को विरेचन नहीं देना चाहिए ऐसा कहा है। सुभग इसका अर्थ है सुकुमार। सुकुमार को विरेचन नहीं देना चाहिए ऐसा एक अर्थ होता है। चक्रपाणि ने सुभग का अर्थ गुद यानी क्षतगुद ऐसा किया है। गुद प्रदेश में क्षत हो तो अविरेच्य होता है ऐसा इसका अर्थ है। मुक्त नाल यानी जिसका मनोवेग पर नियंत्रण गया है बुद्ध इस कर्मेंद्रिय का नाश हुआ ऐसे रुग्ण है। कामादि व्यग्र इस शब्द में काम क्रोध भय शोक आदि सभी मानसिक भावों का समावेश करना है। ऊपर निर्दिष्ट किए हुए अविरेच्य के यादि का यदि को देखकर संक्षेप से कह सकते हैं जो रुग्ण दुर्बल वात पीड़ित जिनमें विरेचन से होने वाली पीड़ा सहन करने की क्षमता नहीं है ऐसे रुग्णों में विरेचन देना योग्य नहीं है। उदाहरणार्थ सुभग गर्भिणी लंघित श्रांत उपवासित दुर्बल इंद्रिय क्षतक्षीण अतिस्थूल अतिकुश बाल वृद्ध इत्यादि जिन रुग्णों में रुद्रोग आदि आशुकारी गंभीर रोग उत्पन्न हुए हो उन्हें भी अविरेच्य समझना चाहिए। क्षतगुद मुक्तनाल आदि गुदगत रोगों में विरेचन नहीं देना चाहिए। सामावस्था में विरेचन नहीं देना चाहिए अजीर्ण नवज्वर नव प्रतिष्ठा इत्यादि रोगों में। कुछ विशेष रोगों में उदाहरणार्थ अधोग रक्तपित्त अतिसार इत्यादि में विरेचन निषिद्ध होता है। अविरेच्य में अगर विरेचन दिया गया तो अनेक प्रकार के गंभीर उपद्रव निर्माण हो सकते हैं। तो पहले अविरेच्य रुग्णों की याद देकर अभी विरेचन किसे देना है इसका विवेचन अभी किया है। शेषाहातु विरेच्याः विशेषतः तु
कुष्ठ ज्वर मेह ऊर्ध्व रक्तपित्त भगंदर अर्श भ्रग्न प्लीह गुल्म अर्बुद गलगंड ग्रंथि विसूचिका अलसक मूत्राघात कृमिकोष्ठ विसर्प पांडुरोग शिर पार्श्वशूल उदावर्त नेत्र आस्यदाह रुद्रोग व्यंग नीलिका नेत्र नासिका आस्य श्रवण तो नेत्र श्रवण नासिका श्रवण आस्य श्रवण हलीमक श्वासकाश कामला अपची अपस्मार उन्माद वातरक्त योनि रेतो दोष। इसका मतलब योनि दोष और रेतो दोष। तैमीर्य अरोचक विपाक छर्दी श्वयतु उदर विस्फोटकादयः पित्तव्याधयः विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताः च एतेषु हि विरेचनं प्रधानतमम् इति उक्तम् अग्रे उपशमे अग्निगुहवात् विशेषेण विरेचन आह कुष्ठ इत्यादि रोगों में विरेचन चिकित्सा आवश्यक है। विसूचिकायां विरेचन उत्तरकालम शेष दोष हरणार्थम नियम। और यहाँ नेत्र नासिका आस्य श्रवण रोग गुदमेढ पाक इसमें भी विरेचन देना है, ऐसा भी एक अलग पाठ है। तो जो अविरेच छोड़ के बाकी सब रोगों में विरेचन देना चाहिए, यथा कुष्ठ ज्वर प्रमेह भगंदर उदर रोग अर्श ब्रघ्न विहारो गुलम अर्बुद गलगंड ग्रंथि रोग विसूचिका अलसक मूत्राघात कृमिकोष्ठ विसर्प पांडुरोग शिरस्शूल पार्श्वशूल उदावर्त नेत्र में जलन मुख में जलन हृदय रोग व्यंग नेत्र नासिका एवं मुख से पानी गिरना हलीमत श्वास काश कामला अपची अपस्मार उन्मार वातरक्त योनि दोष वीर्य दोष तिमिर रोचक अविपाक छर्दी शोथ उदर रोग और विस्फोटक आदि रोग पित्तजन्य विकारों में विरेचन देना चाहिए। इन रोगों में विरेचन कराना सर्वश्रेष्ठ उपचार है। जिस प्रकार किसी आग से जलते हुए घर की आग जब बुझ जाती है तब घर का जलना भी बंद हो जाता है, उसी तरह विरेचन द्वारा दोष के दूर हो जाने पर उस दोष से उत्पन्न रोग भी शांत होते हैं। जिन रोगों में विरेचन देना प्रशस्त होता है ऐसे रोगों को विरेच कहा जाता है। चरक सुश्रुत बागभट आदि सभी शास्त्रकारों ने अविरेच छोड़कर अन्य सभी को विरेचन देना योग्य होता है। ऐसा हो तो विशेषतः कुछ रोगों में विरेचन प्रयोग करना अधिक प्रशस्त होता है। चरक में बताए यदि के साथ पकवाशय रुजा गरदोष शिर प्रदेशी दाह विबंध विद्रति शस्त्रक्षत क्षारदग्ध अग्निदग्ध दुष्टव्रण अक्षिपात अभिशंद काच गुददाह मेढ्रदाह नासादाह कर्णदाह आनाह इत्यादि व्याधि का वर्णन सुश्रुत ने किया है। वाग्भट में श्लीपद और स्तन्य दोष का अधिक वर्णन किया है।
उपरोक्त विरेच्य के सूची के देखते यह स्पष्ट होता है कि विरेचन का कार्य व्यापक ऐसे रोगों के लिए होता है जो जो वाम्य है इन सभी में विरेचन देना दोष है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। वमन यह कफदोष के लिए किया जाने वाला उपक्रम, कफदोष के लिए वमन के समान विरेचन भी उपयुक्त होने के कारण सभी वाम में विरेच्य भी है यह स्पष्ट है, सभी वाम में विरेचन के लिए भी योग्य है। पित्त प्रधान व्याधि में विरेचन उपयुक्त होता है, उदाहरण दाह, पांडु, कामला, अलीमक, ज्वर वगैरह, इनमें ज्वर कहते समय नवज्वर यह साम होने के कारण विरेचन नहीं देना चाहिए। ज्वर की जीर्णावस्था या पक्वावस्था में विरेचन उपयुक्त होगा, विरेचन उपयुक्त होता है। उदर यह भी एक पित्त प्रधान व्याधि, सामान्य संप्राप्ति में यथापि पित्त का साक्षात वर्णित वर्णन न हो तो भी उदर की जागोदकावस्था का यह दोष या धातुपाक से निर्माण होती है ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। पाक होना यह पित्त का कर्म होने के कारण पाक रुकाने के लिए पर्याय से उदर रोग कम करने के लिए विरेचन आवश्यक होता है। रक्तज रोग में विरेचन उपयुक्त होता है, उदाहरणार्थ कुष्ठ, विदर्भ, बुदमेढ आदि पाक, प्लीहा, गुल्म, विद्रधि, नीलिका, व्यंग, वातरक्त इत्यादि। ऊर्ध्वग रक्तपित्त, छर्दी आदि रोगों में प्रतिमार्गत चिकित्सा करके गतिरोध के लिए विरेचन उपयोगी होता है। रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र ही ऐसा है, प्रतिमार्गम चारणम रक्तपित्ते विधीयते। तो ऐसा विरेचन कहाँ देना है ये हमने देखा। तंत्रकार की विवेचन शैली जिस प्रकार प्रशंसा के योग्य है उसी प्रकार इनकी उपमा ये भी हृदयावर्जक होती है। यहाँ पित्तयुक्त शरीर को अग्नि गुह की उपमा दी है, अग्निगुहवत्। पित्तयुक्त शरीर को अग्नि गुह की उपमा दी है। जब तक पित्त सम अवस्था में स्थित होता है तब तक वह देह की रक्षा करता है और जब वह बढ़ जाता है तो देह को उसी तरह जलाने लगता है जिस प्रकार घर में सुरक्षित आग अपनी सीमा से बाहर हो जाने पर घर को जलाने लगती है। बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए विरेचन कराना उत्तम चिकित्सा है। पित्तज व्याधियों में विरेचन की प्रधानता का वर्णन प्रारंभ में इस प्रकार किया गया है, विरेचनम तु सर्वोपक्रमेभ्यः पित्ते प्रधानतमं मन्यन्ते विषजः तत्तादित एवं आमाशयम् अनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं पित्तमूलं अपकर्षति तत्रावजिते पित्ते अपि शरीरांतरगतः पित्तविकारः प्रशांतिम् आपद्यन्ते यथा अग्नौ व्यफोड़े केवलम अग्नि गुहम शीति भवति तद्वत्। यह सूत्र चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 में आया है। ऊपर जो तंत्रकार ने पित्त व्याधियों में महारोगाध्याय का उल्लेख किया है उस प्रसंग में वे कहते हैं कि यद्यपि हमने यहाँ 40 पित्त विकारों का उल्लेख किया है परंतु पित्त विकार और भी असंख्य होते हैं। चरक सूत्र अध्याय
20 में इसकी एक सूची मिलती है। इसकी विस्तृत व्याख्या चरक चंद्रिका टीका में यथास्थान मिलती है। सुश्रुतोक्त विरेचनीय रोगियों के परिचय के लिए सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 33 में जो 32 वाला श्लोक है वो देखना चाहिए। वृद्ध वाग्भट ने भी प्रायः उन्हीं रोगियों का परिगणन किया है। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 27 में उसका वर्णन मिलता है। तो मैं अभी विरेचन किसे देना है ये विस्तृत रूप से देखा है, अब आगे बढ़ेंगे। अनास्थाप्याहातु अजीर्णी अतिस्निग्ध पीतस्नेह उत्कृष्ट दोष अल्पाग्नि यान क्लांत अति दुर्बल क्षुत तृष्णा श्रम अर्ति कृश भुक्त भक्त पीतोदक वमित विरिक्त कृतनस्तहा कर्म क्रुद्ध भीत मत्त मूर्छित प्रसक्त छर्दी निष्ठीविका श्वास कास हिक्का।